केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, केलांचल टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रानी मिश्रा। देश दुनिया और राज्य की तमाम बड़ी खबरों की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं केलांचल टॉप 10। सेक्स रैकेट चलाता है काशिफ, बीजेपी और वानखेड़े के बीच साठगांठ, नवाब मलिक के बड़े आरोप। अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के क्रूज ड्रग्स केस को लेकर एनसीबी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने बीजेपी और एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के बीच साठगांठ का आरोप लगाया है। साथ ही नवाब मलिक ने कहा कि मुंबई में क्रूज पर जिस दाढ़ी वाले व्यक्ति ने ड्रग्स पार्टी का आयोजन किया था उसका नाम काशिफ खान है और वो देश में सेक्स रैकेट चलाता है। यूपी मिशन पर अमित शाह लखनऊ में बोले, योगी जी को फिर चुने, हम यूपी को नंबर एक राज्य बनाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह का लखनऊ पहुंचने पर एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, स्वतंत्र देव सिंह, धर्मेंद्र प्रधान, राधा मोहन सिंह, केशव मौर्य, दिनेश शर्मा, अनुराग ठाकुर ने भव्य स्वागत किया। उल्लेखनीय है कि गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को लखनऊ में विधानसभा चुनाव में भाजपा के चुनावी अभियान का आगाज किया। वृंदावन योजना स्थित डिफेंस एक्सपो मैदान में शाह ने अवध क्षेत्र के शक्ति प्रभारियों और संयोजकों को बूथ में जीत का मंत्र दिया। साथ ही कहा कि हमें फिर से मौका दें, हम यूपी को राज्य का एक नंबर स्थान दिलवाएंगे। दिवाली, छठ पूजा से लेकर न्यू ईयर तक पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध, कोलकाता हाई कोर्ट का आदेश। पश्चिम बंगाल में इस दीपावली पर पटाखे नहीं जलेंगे। दरअसल राज्य में पटाखों व बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह प्रतिबंध दीपावली, काली पूजा, छठ पूजा, क्रिसमस और न्यू ईयर पर भी जारी रहेगा। शुक्रवार को कोलकाता हाई कोर्ट ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि कोरोना महामारी के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। IRCTC के शेयर में भारी गिरावट के साथ भारतीय रेल को अपने एक फैसले को 19 घंटे के भीतर ही वापस लेना पड़ा। और हैरानी की बात तो यह है कि जिस फैसले को रेल मंत्रालय ने वापस लिया उसकी घोषणा रेल मंत्रालय की तरफ से नहीं बल्कि वित्त मंत्रालय के विभाग डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्ट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट की तरफ से आया था। DIPAM के सचिव तुहिन पांडे ने ट्वीट कर रेल मंत्रालय द्वारा फैसला वापस लेने की जानकारी दी। दरअसल कल शाम को रेल मंत्रालय ने अपने एक उपक्रम इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्प से सुविधा शुल्क रेल मंत्रालय ने साझा करने का आदेश दिया था। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को अब एक दिन और जेल में रात बितानी पड़ सकती है। ड्रग्स केस में जमानत मिलने के दूसरे दिन भी आर्यन खान ऑर्थर रोड जेल से बाहर नहीं निकल सके। ऑर्थर रोड के जेलर ने कहा कि आज के दिन आखिरी बार जमानत पेटी खुल चुकी है। उन्होंने कहा कि नियम किसी के लिए नहीं बदलेगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि आर्यन का व्यवहार जेल में अब तक अच्छा रहा है, इसका मतलब अब आर्यन की रिहाई शनिवार सुबह होगी। खबर झारखंड से, 11वीं जूनियर वुमेन नेशनल हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड और हरियाणा के बीच फाइनल मुकाबला खेला गया। इस कड़ी मुकाबले में हरियाणा ने झारखंड को 3-2 से मात दी। फाइनल मुकाबले के फर्स्ट क्वार्टर में झारखंड की ओर से पहला गोल दागा गया और टीम ने मैच में बढ़त बना ली। कुछ देर बाद मैच में वापसी करते हुए हरियाणा ने भी पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर मैच में स्कोर 1-1 कर दिया। सरकार ने वापस ली रविवार की बंदी, नदी तालाब में शर्तों के साथ छठ की इजाजत। झारखंड में कोविड को देखते हुए रविवार को बंदी सरकार ने वापस ले ली है। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में यह निर्णय लिया गया। सरकार ने नदी एवं तालाबों में प्रोटोकॉल के साथ ही छठ व्रत करने की इजाजत दी है। झामुमो में हड़कंप मच गया, झामुमो में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। झामुमो सुप्रीमो शुभ सोरेन की बड़ी पुत्रवधु और विधायक सीता सोरेन ने पार्टी के निर्णय के खिलाफ खुलकर बगावती तेवर अपना लिया है। गुरुवार को झामुमो महासचिव विनोद पांडे ने हस्ताक्षर से जिला के 2 केंद्रीय सहित राज्य दर्जन भर कार्यकर्ताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। इसके बाद विधायक सीता सोरेन ने ट्वीट के माध्यम से कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि पार्टी अब बेईमानों और दलालों के हाथ में चली गई है। फोर्थ झारखंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत, पहले दिन 30 फिल्मों की स्क्रीनिंग। आजादी के अमृत महोत्सव के साथ साथ चौथे झारखंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत रांची के आर्डर हाउस में इसकी शुरुआत हुई। इस कार्यक्रम के पहले दिन पद्मश्री, मधु मंसूर हसमुख, डॉक्टर महुआ मांझी समेत कई स्थानीय कलाकार और बड़े लोग जुड़े। पहले दिन 30 फिल्मों की स्क्रीनिंग हो रही है। फिल्म महोत्सव में झारखंड की 12 फिल्मों के साथ साथ पूरी दुनिया के 18 फिल्मों का प्रदर्शन किया जा रहा है। झारखंड पंचायत चुनाव 3 नवंबर को हो सकता है तारीखों का ऐलान, राज्य निर्वाचन आयोग ने की तैयारी पूरी। राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और 14 नगर निकाय क्षेत्रों में चुनाव
कराने को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारी पूरी कर ली है। मिली जानकारी के मुताबिक आगामी 3 नवंबर को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा औपचारिक ऐलान किए जाने की संभावना है। राज्य निर्वाचन आयोग इस दिन दोपहर में राज्य के सभी डीसी और एसपी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चुनाव तैयारी का जायजा लेंगे। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।